महात्मा गांधी को आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, आपने तो बंच ऑफ थॉट्स पढ़ के आए होंगे। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये राम ही है, वही संस्कृति है और उसी संस्कृति से आप भी दिग्विजय। आप मुझे संस्कृति और संस्कार मत बताइए और धर्म मत बताइए, अब मुझे आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को उम्मीद थी विदेशों से काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी, देश मजबूत होगा, नोटबंदी आएगी, नोटबंदी में काला धन वापस आएगा, भ्रष्ट आ गया, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण में कहते हैं ये सब झूठ है। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब का जो भाषण हुआ, मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ। जिन लोगों के बीच में वो हैं, उनके बीच में रहते हुए जो भाषण उनको दे दिया गया वो पढ़ दिए, वो बोल दिए, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। मैं मेरी सहानुभूति है, आपको सहानुभूति से ऐतराज है? अगर नजर में कोई मुसलमान बोले तो वो मजबूरी है, अगर ये बोले तो ये मजबूती है। हम मजबूरी में नहीं, मजबूती में इस देश में रह रहे हैं और मजबूती से बोल रहे हैं। माफ कीजिएगा भाई साहब, मेरी सहानुभूति फिर भी है। मैं सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आई एम नॉट यील्डिंग। आपने उनका नाम लिया इसलिए उन्होंने कहा आई एम नॉट यील्डिंग। इल नहीं कर रहे हैं माने नकवी जी, एक देश के भी बड़े नेता है, उन्होंने जो कहा है उन्होंने अपने मन से कहा, इसलिए इस तरह की पर्सनल टिप्पणी। मैंने सहानुभूति दर्शाई है, उसमें आपको आपत्ति हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, मेरी सहानुभूति से अगर माननीय सदस्य को आपत्ति, मुझे ऐतराज नहीं है। अभिषेक, जिस विश्वास के साथ 2014 में माननीय प्रथम सेवक जी को देश ने चुना, लोगों को उम्मीद थी विदेशों से काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी, देश मजबूत होगा, नोटबंदी आएगी, नोटबंदी में काला धन वापस आएगा, भ्रष्ट आ गया, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, आतंकवाद समाप्त हो गया, और नकली नोट आ गए। कृपया आपस में टिप्पणी ना करें। सर, आज हमारे सुब्रमण्यम स्वामी साहब यहाँ नौपत नहीं है, इस देश के इकोनॉमिक हालत क्या है जरा उनसे पूछ लीजिए। भूपेंद्र यादव जी, आप उनसे जरा राय ले लीजिए एक बार बैठ के। निर्मला सीतारमण जी को थोड़ा सा ज्ञान दिलवाइए उनसे, वो क्या कहते हैं इस देश के हालात के बारे में। GDP गिर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ घट रहा है, एक्सपोर्ट्स में कमी हो रही है, एक सर्वमान्य इकोनॉमिस्ट इस विश्व में जो है वो सब आज चिंता जता रहे हैं। IMF कह रहा है चिंता करिए, GDP गिर रही है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, आपका RBI कह रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है, हर तरह से आज हालात बिगड़ रहे हैं। BSNL MTNL के 1 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया, BPCL को आप बेचने की तैयारी में है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण में कहते हैं ये सब झूठ है, NRC की कोई चर्चा नहीं है, यानी कि कैबिनेट में बात ही नहीं हुई। आपने माननीय राष्ट्रपति जी से वो सब कहलवा दिया और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी कहते सरासर झूठ है, असत्य है। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको समझाते हैं, पहले नागरिकता कानून आएगा, सिटीजन एक्ट आएगा, फिर NPR आएगा और फिर NRC आएगा, कि किस पे भरोसा करें सुधेंदु जी, त्रिवेदी जी, जो NRC का असम का अनुभव है, 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए और आज डिटेंशन कैंप्स में कई हिंदू तो उसमें हैं ही, लेकिन वो कैप्टन सनाउल्ला जिसने भारत सेना में हथियार हाथ में लेकर पाकिस्तान का मुकाबला किया, दुश्मनों का मुकाबला किया, वो भी आज डिटेंशन कैंप में है। माननीय उपसभापति महोदय, ये आपकी राष्ट्रभक्ति है? नागरिकता कानून लाने की आवश्यकता क्या थी?
आपको जिसको मर्जी थी आप नागरिकता उसको दे देते? किसने मना किया था आपको? आपने क्या अदनान सामी को नागरिकता नहीं दी थी? दी आप लोगों ने। और मैं तो आप इस बात को फिर से हिंदू मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। मैं तो बधाई देता हूं स्वामी स्वरूपानंद जी, आज सबसे वरिष्ठ सनातन धर्म के हमारे शंकराचार्य, उन्होंने कहा है कि नागरिकता कानून लाने की आवश्यकता नहीं थी, ये केवल एक वर्ग को भयभीत करने के लिए ये कानून लाया गया है। और स्वाभाविक है, मैं आपसे बात, भूपेंद्र यादव जी कहते हैं टू नेशन थ्योरी, आप बंटवारा कर रहे हैं। अरे जनाब, बंटवारे की शुरुआत तो आप लोगों ने की है। सावरकर जी, जना जी, कि इन लोगों ने टू नेशन थ्योरी लाए नहीं का सबसे पहले सुझाव नहीं दिया था? जी हाँ, सावरकर जी और जिना जी, क्योंकि आप लोगों ने जिना जी को, आपने मोहम्मद अली जिना जी को आपने कहा था वो सबसे ज्यादा सेक्युलर है। आज इस देश में जो हालात हैं, उस देश की हालात से बिगाड़ने का आपकी विचारधारा को मैं दोष देता हूं। बचपन से नफरत लोगों के दिमाग में पैदा की जाती है। आज लड़ाई विचारधारा की है, एक तरफ प्रेम और सद्भाव है और दूसरा तरफ नफरत, और नफरत से पैदा होने वाली हिंसा है। मुझ पर मुसलमान परस्त होने का मुझे आरोप लगाते हैं। मैं इंसानियत परस्त हूं, ना मुसलमान परस्त हूं ना हिंदू परस्त हूं, लेकिन इंसानियत परस्त हूं। इंसानियत आज खतरे में है, यही मेरी आपसे लड़ाई है। द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया इज अंडर थ्रेट। अनेकता में एकता इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, जिसे आप समाप्त करने में लगे हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जरा अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो जरा सोचिए। आज अगर आप ये हालात जम्मू कश्मीर में आपने जो बनाए, अगर अटल जी होते तो ये हालात कभी नहीं बिगड़ते। अटल जी कहते थे कश्मीर का हल काहे में है, जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। आपने J&K के 370 हटाकर बिना जम्मू कश्मीर के लोगों के पूछे, आपने अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को जो पीड़ा दी होगी आपको भुगतना पड़ेगा। तीन तीन भूतपूर्व प्रधान मुख्यमंत्री कश्मीर के जेल में है, आप कहते सामान्य है। अगर सामान्य तो छोड़ते क्यों नहीं है? आपको बड़ा एहतराज था कि ब्रेक्सिट के वहां पे यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर क्यों चर्चा हो रही है? उन यूरोपियन पार्लियामेंट के समूह को ले जाने में आपको एतराज नहीं है, और हम लोग जाए तो हम लोगों को पर मनाई है। राहुल गांधी जाए, सीताराम येचुरी जाए तो आपको एतराज होगा? ये कहा का दोहरा मापदंड आप लोगों का है? महात्मा गांधी को आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, आपने तो बंच ऑफ थॉट्स पढ़ के आए होंगे, या सावरकर पढ़ा होगा, महात्मा गांधी आपने नहीं पढ़ा। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये मूल भावना थी महात्मा गांधी की, जिसको आप भुला रहे हैं। ये जो पर पीड़ा जानने का जो इस देश को मिला है वो राम से ही मिला है, उसी को महात्मा गांधी ने माना है। वैष्णव जन ये राम ही है, वही संस्कृति है, और उसी संस्कृति से आप भी दिग्विजय। आप मुझे संस्कृति और संस्कार मत बताइए और धर्म मत बताइए। नहीं नहीं, मैं सनातन धर्मी हूँ, मैं गांधी, अब मुझे आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे अभी आप हमारे नकवी साहब चले गए, कह रहे थे इस देश के मुसलमानों ने भरोसा किया, इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया। भाई आप अपने आप को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है कि यहाँ के मुसलमानों को भरोसा था महात्मा गांधी पर, यहाँ के मुसलमानों को भरोसा था पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, सरदार पटेल पर, और शेख अब्दुल्ला साहब को भी भरोसा था हमारे फ्रीडम फाइटर्स पर, महात्मा गांधी पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। इसलिए आप बांटने का प्रयास मत करिए। युवकों में फ्रस्ट्रेशन है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा है, लिंचिंग चारों तरफ हो रही है। आज यही नहीं है, इंटरनेशनल एरियाज में भी, इंटेलेक्चुअल्स में भी इस बारे में चर्चा हो रही है। इस बात को थोड़ा समझिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ ये सबको संभालने का सब प्रयास करिए। मैं तो आपको सुझाव देता हूँ, अगर ये समस्या का निदान करना है तो तत्काल नागरिकता का कानून वापस लीजिए, लोगों में विश्वास पैदा करिए। अगर आपको यहाँ पर इस तनाव को समाप्त करना है तो NPR NRC को लागू करने की बिल्कुल साफ मना कर दीजिए। अगर आपको यहाँ विश्वास कायम करना है
क्योंकि विश्वास का संकट है। आज सामाजिक तनाव खत्म करना है, छात्रों में विश्वास पैदा करना है, तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने जो कहा है कि जेएनयू का जो वाइस चांसलर है उसको तत्काल सैक कर दीजिए, तो एक बार विश्वास पैदा हो गया। माननीय सुस्ती महोदय, प्रजातंत्र संवाद पर आधारित है। जो लोग शाहीनबाग बैठे हुए उनसे आप संवाद की स्थिति क्यों नहीं आप स्थापित करते हैं? चर्चा करिए, मन की बात सुनाते हैं, लेकिन हम लोगों की बात क्यों नहीं सुनते हैं? उन लोग आज धरने पर बैठे, महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे आप बात करने की क्या दिक्कत है? चर्चा करिए। आज अविश्वास की स्थिति पूरे देश में होती जा रही है, इसलिए हम औपचारिकता के रूप में तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन वास्तविकता आज अविश्वास की है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है। धन्यवाद। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।